सॉरी, ये अब आप लोग को ऑडिबल है ना? हाँ सर, हाँ सर ऑडिबल ठीक है ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था जो स्पेशल केसेस हम लोग यूज करके सर्किट को सॉल्व करते हैं, वैसा ही हमारे पास शीट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 20 है। आज हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा सर्किट यहाँ पे था, तो उसको सही दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है, रीड्रॉ किया है, मेरे एक्सप्लेन करने के लिए सही होगा। अब देखिए, हमारे पास सर्किट कंप्लीट बन गया, नहीं अभी नहीं बना है, एक रेजिस्टेंस और है मेरे पास। दिस इज आर एंड दिस इज 2R। देखिए, सर्किट में कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो एक बात तो आप पहले से मान लीजिए कि वो सर्किट जो है ना आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है, उसमें कोई ना कोई ट्रिक जरूर यूज हो रहा होगा, नहीं तो इस सर्किट का आप सोल्यूशन निकालने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सर्किट में गिवन क्या है, यहाँ पे दो वोल्टेज दिया हुआ है, VA एंड VB, एंड गिवन इज VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट। आपको दिया हुआ है VA माइनस VB इज 6 वोल्ट, एंड फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में मुझे करंट निकालनी। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मेरे को एक डेटा दिया है VA माइनस VB इज 6 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल इज 6 वोल्ट। क्लियर? तो इससे क्या ये डिसाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो इसमें जाने वाली करंट किधर होगी, इधर, क्योंकि VA माइनस VB, VA इज ग्रेटर देन VB, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट होगी रेजिस्टेंस में, एंड दिस करंट विल बी 6/3, दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा VA से VB की तरफ। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, इस सर्किट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, मेरे सर्किल को देखिएगा, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल या दूसरा पार्ट ये है। सपोज दिस करंट इज, दिस नेटवर्क इज N1 एंड दिस पार्ट ऑफ नेटवर्क इज N2, ठीक। इस नेटवर्क से कितना करंट निकला है, 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर पास और कोई रास्ता नहीं है, ये नेटवर्क N2 में जाएगा, N2 में आने वाली करंट कितनी है, 2 एम्पियर। तो हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट था कि द इनकमिंग करंट टू एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट नेटवर्क, तो इस ग्रीन सर्किल में कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर। इस सर्किल से बाहर कितना करंट जाएगा, ये ग्रीन वाला एरो, ये भी 2 एम्पियर होगा। देखिए, यहाँ पे करंट सोर्स तो 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर करंट आया, इधर से 2 एम्पियर करंट आया, तो 2 ओम में जो करंट जा रहा है दैट विल बी 5 एम्पियर। आंसर इज 5 एम्पियर करंट इन 2 ओम इज इक्वल टू 5 एम्पियर। क्लियर है? इस मेथड में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, तो ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, कभी कभी आता है। सिमिलरली हमारे पास सर शीट फिर है, से एक फिर बार सर। से एक बार बता दे, फिर से फिर मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा या ट्रिक को यूज करके मैं सर्किट को सॉल्व कर रहा हूँ, सर्किट को फिर मैं दोबारा बनाता हूँ, फिर से देखिए। रेजिस्टेंस हमारे पास 50 ओम, एक बैटरी प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये बड़ा सा सर्किट है, ये 3 ओम VB, VB के बाद दिस इज 50 ओम, एक बैटरी और दिया हुआ है और इसका वोल्टेज गिवन नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी।
टेन, 40, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है आर, ब्रांच डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, एक तरफ लगा हुआ है 2 ओम, इसके पैरेलल में करंट सोर्स है, करंट सोर्स का वैल्यू 3 एम्पियर, एक क्लोज हो जाता है, यहां से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस एक और 50 ओम, यहाँ पे 40, और इट इज 2 आर हमें पास गिवन है, ए वाला पॉइंट वी ए, दूसरा वाला पॉइंट वी बी। ठीक, मैं जो बताना चाह रहा हूं ये कि ये बहुत बड़ा सर्किट है, आप नोट्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 पांच नोट्स हैं यहाँ पे, आप केवीएल केसीएल अप्लाई करते रह जाएंगे, यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा कहने का सेंस ये है कि इतना बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है तो वो पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। आपसे पूछा है करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की करंट बतानी है आपको। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक यूज हो रहा है। अब उन्हीं पॉइंट पांच पॉइंट्स हैं, वही ट्रिक है आपके पास, उनमें से ही किसी पॉइंट को आप यूज करेंगे। हम पहले फोकस करते हैं हमको गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास वी ए माइनस वी बी का वैल्यू 6 वोल्ट है, तो इससे मुझे दो बात पता चलेगी, वी ए इज मोर देन वी बी, तो करंट हमेशा वी ए से वी बी की तरफ होगी, ये होगी करंट, और करंट का वैल्यू कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 3, तो करंट विल बी 2 एम्पियर। तो जो मुझे गिवन था उससे मुझे ये पता चला कि इधर से इधर की तरफ जो करंट है वो 2 एम्पियर है। यहाँ पे सीरीज पैरेलल वाला ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है, इसलिए मैं सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक पार्ट ये है नेटवर्क का, सपोज दिस इज एन वन, दूसरा पार्ट ये है नेटवर्क का, सपोज दिस इज एन टू। हमको यहाँ देखने को मिल रहा है इस नेटवर्क से, इस नेटवर्क में जो करंट आ रही है दैट इज 2 एम्पियर। नेटवर्क के किसी भी पार्ट में जितना करंट आता है नेटवर्क से उतना ही करंट निकलता भी है, तो इधर की करंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी हमको 2 एम्पियर। इस पॉइंट पे केसीएल लगा दीजिए, इधर से 3 एम्पियर आया, इधर से 2 एम्पियर आया, दोनों मिलेंगे 3 प्लस 2, 2 ओम का करंट जो है वो 5 एम्पियर। क्लियर? यस सर। ठीक है सर, इसको एक्सक्यूज मी सर, ये जैसे कि आपका दो साइड में आपका जो वोल्टेज सोर्स है ना, नेटवर्क वन नेटवर्क टू में, उनका कुछ करंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, उनके वजह से तो ये करंट 2 एम्पियर है। ओके, तो सर करंट 2 एम्पियर सर वही से फ्लो करेंगे, नीचे फ्लो नहीं करते जी, समझ में नहीं सर। जैसे आपने बोला कि एक सर्किट से जो करंट जा रहे हैं दूसरे सर्किट पे, तो वो सेम चीज सेम सेम अमाउंट ऑफ करंट ही वापस आएंगे, वो एडिशन करंट वापस नहीं आ सकते सर? नहीं, 3 एम्पियर का जो सर करंट है वो नेटवर्क वन में नहीं जाके इसमें एड होंगे, उनके कैसे सर हम बोल सकेंगे? मुझे कंक्लूजन यहाँ से मिला है ना कि नेटवर्क में एंटर करने वाली करंट 2 एम्पियर है, तो नेटवर्क से एग्जिट करने वाली 2 एम्पियर ही होगी, भी सर्किट जितना करंट आता है उतना ही करंट से बाहर निकलता है। सर सपोज जैसे कि यहाँ पर इसको भी तो हम लोग एक नोट पकड़ सकते हैं ना, लाइक ये सबसे कॉर्नर वाला जो है ये नेटवर्क टू में, इसको बोल रहे हैं यस, उसके बारे में कुछ डेटा गिवन है इसको भी पकड़, डाटा तो गिवन नहीं है लेकिन, तो आप हमेशा गिवन से स्टार्ट करते हैं, जब आपको गिवन नहीं रहेगा और आप उस पर फोकस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। फिर से मेरा कंसेप्ट को देखिए, जो मुझे गिवन था मैंने वहां से स्टार्ट किया, जब आप गिवन से स्टार्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। आपका टीवी ऑन है क्या? ओके ओके, और कोई क्वेश्चन है? और ये 19 को भी सर कर दीजिए ना, तो 19 को कर रहे हैं, 19 को करने जा रहे हैं। ओके सर।
एक सेकेंड किया। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गिवन है टू नेटवर्क्स। मेरे पास दो नेटवर्क हैं N1 एंड N2। द टू इलेक्ट्रिकल नेट सब नेटवर्क्स N1 एंड N2 आर कनेक्टेड थ्रू थ्री रेजिस्टर्स एज शोन इन फिगर। दिस N1 एंड N2 आर कनेक्टेड थ्रू 1, 2, 3 रेजिस्टर्स एज शोन इन फिगर। द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर इज 10 वोल्ट। 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, प्लस इधर माइनस इधर, तो करंट कितना होगा? 2 एम्पियर। ठीक, एक डेटा से हमको ये मिल गया, फर्स्ट डेटा को हमने देखा रेजिस्टेंस कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में करंट मिल गई। तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस आर टू बी 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट अपॉन 1, प्लस इधर माइनस इधर, करंट प्लस से माइनस की तरफ, 5 अपॉन 1 विल बी 5 एम्पियर। सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर N1 से N2 की तरफ टोटल करंट कितना आ रहा है? 2 प्लस 5, 2 एम्पियर और 5 एम्पियर मीन्स 7 एम्पियर। तो N2 से N1 की तरफ कितना करंट जाएगा? 7 एम्पियर। जितना करंट N2 में एंटर किया है ना, उतना ही करंट N2 से बाहर भी निकलेगा। बाहर निकलने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, तो टोटल करंट वहीं से बाहर निकलेगी इधर से, और उसकी वैल्यू होगी 7 एम्पियर। ठीक, 7 एम्पियर क्रॉस करेगा 15 ओम को। ठीक, तो वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम विल बी इक्वल टू 15 × 7। 15 × 7 इज 105। ठीक, ये होगा 105 वोल्ट। लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम है, जब करंट का डायरेक्शन अगर ये है ना, इस डायरेक्शन में करंट है आपकी, करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है, जबकि पोलैरिटी आपके रिवर्स करके दी हुई है। अब एक्चुअल पोलैरिटी ये है जो आस्क पोलैरिटी, ए वाला पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आंसर करना है, क्योंकि जो पूछा गया है वो पोलैरिटी अपोजिट है। देयरफॉर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मेंशन्ड इन क्वेश्चन। वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम विल बी इक्वल टू -105 वोल्ट। उसका वोल्टेज -105 वोल्ट होगा। आंसर इज -105। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है मेरे ख्याल से, सॉरी ए है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग पहले कर चुके हैं, 17 इजी है, 14 भी हम लोग कर चुके हैं, 15 भी हम लोग कर चुके हैं, 16 भी शायद, हाँ 16 भी कर चुके हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। शीट नंबर 1 का आंसर बता दूं मैं आपको? हाँ सर। जी सर, जी सर, जी शीट नंबर 1 देख पा रहे हैं आप? यस सर। ओ, इसमें तो शायद कुछ वो हो गया है, एडिटिंग हो गई है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 में सर्किट चेंज हो गया है आपका।
इसको छोड़ दीजिए. क्वेश्चन नंबर वन का आंसर v का वैल्यू पूछा है ना, v का वैल्यू इज i इज इक्वल टू 2 एम्पीयर. इधर गया है 2 एम्पीयर, टोटल डिस्टेंस विल बी 0.5. इसका v का वैल्यू है 2 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर वन को भी एक बार देख लीजिए. In this question is given that I is equal to 2 ampere. Find the value of V. तो ये वोल्टेज सोर्स जो है उसका वैल्यू क्या है. अब इस सर्किट को देखिए, मैं बनाता हूं दोबारा से. दिस इज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स. इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 0.5 ओम. उसके बाद 1 ओम इस पॉइंट से कनेक्टेड है, अगेन 1 ओम. ये शॉर्ट सर्किट इधर से, दिस इज अगेन 1 ओम. सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है. सर ये स्क्रीन दिखाई नहीं मिल रहा है, पीडीएफ दिखाई मिल रहा है. आपको वो दिख रहा था क्या, क्वेश्चन शीट दिख रही थी क्या? हाँ क्वेश्चन शीट देख रहे हैं. ठीक है, ठीक. क्वेश्चन क्लियर है ना आपको? ये आई का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर और वोल्टेज का वैल्यू पूछा है वी की वैल्यू क्या होगी. ठीक, देखिए इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए पहले देखिए, ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है ना, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है. ठीक, आइडियल वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड है ये रेजिस्टेंस. ये आई का वैल्यू दिया हुआ है. इस रेजिस्टेंस का मुझे कोई काम नहीं, इस रेजिस्टेंस में मुझे करंट कैलकुलेट नहीं करना है. रिमेनिंग सर्किट सॉल्व करने के लिए मैं इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकता हूं. सर्किट बन जाएगा ऐसा, दिस इज वी 0.5 1 और सिर्फ एक रेजिस्टेंस रह गया, ये वाला 1 ओम. अगेन ये आई का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर. ये भी 1 है और ये भी 1 है. 1 एंड 1 आर अगेन इन पैरेलल. 1 ऑन 1 पैरेलल में होने से कितना रेजिस्टेंस मिलेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 0.5. तो ये हो गया फिर से वी वोल्ट, यहाँ बचा 0.5 और ये भी कंबाइन होकर के हो गया 0.5. अभी देखिए इस रेजिस्टेंस को मैंने अभी तक टच नहीं किया है, इसकी रेजिस्टेंस ही करंट आई एम्पियर. आई जो है वो 2 एम्पियर है. ठीक, सर्किट रीड्रॉ हो जाएगा. टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका? टोटल रेजिस्टेंस इज 0.5 एंड 0.5 इन सीरीज. सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, 0.5 को ऐड कर दीजिए विल बी 1 ओम. अगेन सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है तो इसकी करंट भी 2 एम्पियर ही रहेगी. टोटल रेजिस्टेंस इज 1, टोटल करंट इज 2 एम्पियर. तो वी का वैल्यू आई इंटू आर 2 वोल्ट मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 वोल्ट है. ठीक, वापस जाते हैं शीट पे. शीट में वो उस दिन प्लस प्लस कुछ ऐड हो रहा था ना, तो ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 का रिमूव हो गया, उसका आंसर बता देंगे आपको. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम. रेसिप्रोसिटी थ्योरम अभी पढ़ाया नहीं मैंने, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको करने वाले हैं. इज इनकरेक्ट, यहाँ इसका जो आंसर है ना वो डी है, नन ऑफ दीज. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है, थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे आगे.
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, इन अ नेटवर्क मेड अप ऑफ लीनियर रेजिस्टर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, इफ द वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टर्स इज डबल, देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स इज नॉट चेंज्ड। डी है आंसर इसका। क्लियर? इसका कैसे नॉट चेंज होगा? नहीं देखिए। ओके ओके समझ गए। ठीक है सर, नहीं एक्सप्लेन कर दीजिए सर इसको। क्वेश्चन नंबर 5। यस ठीक। क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा है इन अ नेटवर्क मेड अप ऑफ लीनियर रेजिस्टर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, सर्किट में सारे सोर्स आइडियल हैं और उसमें सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है सब लीनियर है, मतलब नॉर्मल सर्किट है हमारा। इफ वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टर्स इज डबल्ड, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी क्या होगा वो बताना है। ठीक, तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल में सपोज मैंने रेजिस्टेंस लिया 2 ओम और ये रेजिस्टेंस लिया 2 ओम और एक बैटरी लिया -40 वोल्ट का। ठीक, वोल्टेज डिवीजन याद है आपको? ठीक, वोल्टेज डिवीजन अगर याद है तो इस 2 ओम को कितना वोल्ट मिलेगा? वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम विल बी 20 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 20 वोल्ट। ठीक, अब मेरे रेजिस्टर्स की वैल्यू मैं डबल कर देता हूं, बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं किया है, इज अगेन 40 वोल्ट बट ईच रेजिस्टर्स आर ऑफ नाउ 4 ओम एंड 4 ओम। ठीक, अब इसका वोल्टेज बताइए जरा मुझे कितना होगा, इस 4 ओम का वोल्टेज कितना होगा और इस 4 ओम का वोल्टेज कितना होगा? सेम सर, नेटवर्क प्रॉब्लम, कांट लॉग इन। सेम रहेगा ना? सेम सेम सर। ठीक है, लीनियर रेजिस्टेंस मीन्स, देखिए नॉन लीनियर नहीं है तो वो लीनियर है, हम नॉर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है वोल्टेज और करंट के साथ। देखिए ये 20 वोल्ट रहेगा, ये 20 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप वैल्यूज चेंज कर देते रेजिस्टर्स की तो ये चेंज नहीं होगा। तो वापस जाते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल शीट 1 पे। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया ना? तो मैक्सिमम पावर दैट 12 वोल्ट डीसी सोर्स, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन है, इसका आंसर 18 वोल्ट है। हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे इसको। स्टार कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा भी अभी कन्वर्ट नहीं किया हम लोगों ने। स्टार टू डेल्टा नहीं किया है लेकिन इसका आंसर बता देता हूँ। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, आर की वैल्यू 30 ओम हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इट इज इंटेलिजेंस थ्योरम, ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, किरचॉफ लॉज आर वैलिड फॉर बोथ एसी एंड डीसी।
रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट वैल्यूज के होंगे ना तो भी चेंज नहीं होगा, दोनों डबल हो जाएंगे ना। अगर हेलो सर जी, वहां पे दो रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज को डिवाइड हुआ है 20-20, अगर वहां पे फिर से थर्ड वाला रेजिस्टेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस के लिए भी तो डिवाइड होगा ना वोल्टेज। हां बिल्कुल डिवाइड होगा, लेकिन सेम रहेगा, दैट सेम रहेगा। ठीक, तो 8 का आंसर हो गया आपका ए, 9 का आंसर है डी। When the circuit is delivering maximum power to a load, the efficiency of circuit is always 50%. 10 का आंसर ए है, हम लोग थ्योरम में करेंगे इसको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सर 9 का आंसर सी है डी। सॉरी 9 का आंसर सी है, ये ऊपर करने से शायद नीचे चलाया गया है। 9 का आंसर सी है, नोट कर लिया? यस सर। ठीक, अब ये हेलो सर जी, ये 7 का सर कितना था सर? 7 का, 7 कौन सा क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन नंबर 11, ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये इजी है ना, आंसर इज आर बाय टू। ठीक, नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 12, द करंट आई इन नेटवर्क गिवन बिलो, आप इस 3 ओम को इग्नोर कर दीजिए, हम लोग कर चुके हैं इसको, आंसर मिलेगा आपको 0 एम्पियर। 12 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बी इन द सर्किट, ये हम लोग भी कर चुके हैं, इसका आंसर कितना है? 3 वोल्ट। सी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए, 0 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आया था? ये 12 एंड 6 एंड 4 इन सीरीज, 6 एंड 4 इन सीरीज, आंसर इज 3 एम्पियर। 15 का आंसर सी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, आंसर इज अगेन 0 ए, 16 का आंसर ए है। नेक्स्ट, करंट I2 इन द सर्किट, इस करंट को डिवाइड कर दीजिए या इस पॉइंट पे KCL लगा दीजिए, तो ये जगह कितना आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन? -2 प्लस V/2, इस पॉइंट का वोल्टेज मैंने V मान लिया है, प्लस V/3। अब प्लस स्पीकर बंद करिए प्लीज। ठीक, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, -2 प्लस V/2 प्लस V/3, दोनों आउट गोइंग करंट लिए मैंने, V/2 की वैल्यू चाहिए आपको, ये वाला करंट चाहिए, सॉल्व करिए इसको, LCM होगा 6, यहाँ पे हो गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज -6, सॉरी ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 6-12 प्लस 3V प्लस 2V इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू, मतलब आपको मिलेगा 5V इज इक्वल टू 12, therefore V इज इक्वल टू 12 अपॉन
5, therefore I is equal to, कितना था V by 2 था ना, तो V into 1 by 2, 12 by 10, और B है answer 6 by 5 ampere. आप चाहे तो नोट कर सकते हैं. I का वैल्यू 6 by 5 ampere है. करंट डिवीजन से ज्यादा इजी है सर जी. करंट डिवीजन मेथड से ज्यादा इजी रहेगा. सबका अपना अपना पसंद है. करंट डिवीजन हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन केवीएल केसीएल हर जगह अप्लाई हो जाता है ना. कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पॉसिबल है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप पहले करंट डिवीजन से करने बैठे उसको और सॉल्व नहीं हो रहा है. प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, शायद वैल्यूज अलग थी. क्वेश्चन नंबर 18 का डी आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 का ए और 20 का ए 5 एम्पीयर. तो 20 का ए तो जीरो है. 20 अभी सॉल्व किया है ना. 20 का आंसर 5 एम्पीयर है. ठीक, तो इतना मेथड था हम लोग के पास सर्किट सॉल्व करने का, जो टेक्निक यूज कर सकते हैं अगर आपको केवीएल केसीएल से बचना है. तो कुछ कुछ सर्किट में अप्लाई होता है और सर्किट इजीली सॉल्व हो जाता है. जो केवीएल केसीएल से वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो सकता है. पहले इन पॉइंट्स को अप्लाई करिए, उसके बाद सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करिए. ऐसा करते हैं हम लोग. ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ है एक्चुअली. इसका भी स्टेटमेंट सेम है, देखो जैसा वो करंट के लिए है, ये जो वोल्टेज के लिए है. वहां पे हम लोग बोलते हैं एलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो. अच्छा देखिए, ये किरचॉफ लॉ कहता क्या है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन अ सर्किट इन अ लूप ऑफ सर्किट इज इक्वल टू जीरो. किसी भी एक इंस्टेंट पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप ऑफ सर्किट इज इक्वल टू जीरो. सारे लूप में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज सोर्स है जो भी है, वो सबका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो जीरो होगा. अगेन आप अगर कंसेप्चुअल उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सम ऑफ मोर देन वन क्वांटिटीज इज इक्वल टू जीरो. एक से ज्यादा क्वांटिटीज का सम तभी जीरो हो सकता है जब उनमें से कुछ पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो. अगर सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होंगी तो उनका सम जीरो नहीं आ सकता. क्वांटिटीज नेगेटिव होंगी तो भी सम जीरो नहीं आ सकता. अगर सम जीरो आ रहा है कुछ एक से ज्यादा क्वांटिटीज का, तो ये लॉजिकली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि उनमें से कुछ क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं और कुछ क्वांटिटीज नेगेटिव. क्लियर? तो अगर कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है तो उसका साइन कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए कन्वेंशन है हमारे पास. कन्वेंशन ये है कि वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि रेफरेंस में आपके पास स्टेटमेंट में भी यही लिखा गया है. वोल्टेज ड्रॉप इज पॉजिटिव एंड वोल्टेज राइज इज नेगेटिव. क्लियर? अब केवीएल के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल में
मेरे पास एक सर्किट है उसमें 7 एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता उसमें कौन सा बैटरी है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा इंडक्टेंस है, बस ये पता है कुछ कुछ एलिमेंट्स लगे हैं सर्किट में। केवीएल और केसीएल हर सर्किट पे अप्लाई होता है, तो हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि मैं एलिमेंट जो है लीनियर मानूं नॉन लीनियर मानूं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं ये, और मुझे इन सब का वोल्टेज पता है। ठीक, केवीएल अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा डायरेक्शंस और कन्वेंशंस को समझना जरूरी है। ये एलिमेंट वन है, इसका वोल्टेज मुझे दिया प्लस इधर माइनस इधर, और दिस वोल्टेज इज वी वन, ये वोल्टेज वी टू, ये वोल्टेज वी थ्री, ये वोल्टेज वी फोर, ये वाला वोल्टेज वी फाइव, ये वाला वोल्टेज वी सिक्स, एक और एलिमेंट लगा देते हैं इसमें, ये वाला वोल्टेज वी सेवन। ठीक, अब केवीएल का स्टेटमेंट देखिए फिर से कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो। तो लूप क्या होता है? लूप इज नथिंग बट क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मीन्स आप जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और मूव करके घूम करके अगर आप उस पॉइंट पे आ जाते हैं वापस, तो ये पाथ आपका क्लोज हो गया। आप स्टार्ट भी किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं, बस ये है कि आपको घूम करके वापस आना है। अब देखिए ये सर्किट में लूप कितना है, आप इस पॉइंट से चलिए, इधर से चलते हुए गए, इधर से घूमते हुए आए और इस पॉइंट पे वापस पहुंच गए, मतलब सर्किट में ये जो पाथ है वो एक लूप है, उसको मान लेते हैं L1। आप इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, घूमते हुए इधर से इस पॉइंट पे आ सकते हैं, तो ये सर्किट में एक दूसरा क्या है, लूप टू है। आप इस पॉइंट से स्टार्ट करिए और घूमते हुए इधर बड़े वाले रास्ते से वापस आइए इधर से होते हुए, तो ये वाला क्या है, लूप थ्री है। तीन लूप है इसमें और सभी लूप पे केवीएल एप्लीकेबल होता है। ठीक, देखिए अगर केवीएल तीनों लूप पे एप्लीकेबल है तो उसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, केवीएल एट एल वन। जब लूप पे आप केवीएल लिखेंगे ना तो आपको वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम करना है। आपको वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या वोल्टेज राइज हो रहा है ये डिपेंड करता है आपके पाथ पे, आप चल किधर से रहे हैं। जैसे आप V2 वाला केस लीजिए, ये V2 वाले केस को मैं ले रहा हूं, अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वोल्टेज राइज हो रहा है और हो भी रहा है। ठीक, तो जब आप वोल्टेज को ऐड करेंगे ना तो आपको अपना डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्लस माइनस का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो या तो आप सारे वोल्टेजेस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जोड़िए या एंटी क्लॉकवाइज जोड़िए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर, केवीएल इक्वेशन जब हम लिखेंगे L1 पे तो L1 पे जो मैंने डायरेक्शन बनाई है वो क्लॉकवाइज है, मेंशन करना जरूरी नहीं होता है आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूं कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड कर रहा हूं चीजों को। ठीक, अब हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं किसी पॉइंट, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया V1 से, इधर से चलते हुए गया तो ये वोल्टेज राइज हो रहा है मेरा। ठीक, वोल्टेज राइज मींस नेगेटिव, इट विल बी माइनस वी वन। आप इधर आगे चलिए, वोल्टेज ड्रॉप, प्लस से माइनस जा रहे हैं ना, इट विल बी प्लस वी टू। अब इधर फिर से आइए, वी थ्री, पोटेंशियल राइज माइनस से प्लस की तरफ है इसलिए माइनस वी थ्री। अब फिर इधर चले वी फोर की तरफ, तो ये माइनस से प्लस, इधर माइनस था इधर प्लस था, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो अगेन वोल्टेज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना, माइनस वी फोर विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना। सिमिलरली L2 और L3 के लिए भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन आप अगेन क्लॉकवाइज यूज करें, एंटी क्लॉकवाइज यूज करें, जो भी आप चाहें वो आपके लिए सही है। बट ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं तो एक लूप का अगर आपने क्लॉकवाइज लिया है तो बाकी सारे लूप का भी क्लॉकवाइज लीजिए। आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो उसमें टेक्निकली वो गलत नहीं है, बट प्लस माइनस के कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उससे बचना है। तो अगर एक को क्लॉकवाइज लिया है तो फिर सबको क्लॉकवाइज लीजिए, बट अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें कर सकते हैं।
अगेन केवीएल सिमिलरली हम लोग लगाएंगे एट एल टू, लूप टू पे केवीएल लगाते हैं ठीक। लूप टू राइट साइड वाला लूप है, कहीं से भी स्टार्ट करिए, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ वी फाइव से। ये वोल्टेज ड्रॉप है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग, ये भी क्लॉकवाइज दिया है मैंने, मेंशन करने का जरूरत नहीं है, ड्रॉप है इसलिए पॉजिटिव वी फाइव। अगेन फिर से ड्रॉप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस वी सिक्स, वी सेवन का डायरेक्शन नहीं दिया है तो इसको प्लस इधर माइनस मान लेते हैं। इधर से जाएंगे तो ये वोल्टेज राइज है, राइज मीन्स निगेटिव, माइनस वी सेवन। फिर इधर से उधर जाएंगे तो ड्रॉप है, अगेन इट विल बी प्लस वी थ्री, इट इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हम लोग के वी एल एट एल थ्री भी लिख सकते हैं, एल थ्री पे लगाइए बड़े वाले लूप में, चलिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉप वी टू, ड्रॉप प्लस वी फाइव, अगेन ड्रॉप प्लस वी सिक्स, यहां पे राइज माइनस वी सेवन, अगेन राइज माइनस वी फोर, अगेन राइज माइनस वी वन, पहुंच गए अपने पॉइंट पे, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो केवीएल है ये पोटेंशियल के बारे में है। पोटेंशियल इज डिराइव्ड फ्रॉम नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल राइज इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, एनर्जी गिवन इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब। ये सेम क्वेश्चन है, इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल का स्टेटमेंट समझ में आया आपके? आपको सुनाई दे रहा है ना? यस सर, समझ गया सर। ठीक है, केवीएल का स्टेटमेंट समझ में आया ना आपके? ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, पॉइंट अभी केवीएल में आपने जो देखा, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे KCL was derived from law of conservation of charge and KVL is derived from law of conservation of energy. KVL कहां से derive हुआ है? Conservation of energy से। अगर conservation of energy से इसको derive करेंगे, द बेसिक इक्वेशन केवीएल लॉ, जैसा लॉ और थ्योरम में आप डिफरेंस समझते हैं, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज थ्योरम? थ्योरम ऐसे, सर, थ्योरम ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको थ्योरेटिकली एस्टेब्लिश किया जाता है। लॉज ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अप्लाई होते हैं। लॉ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है और वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई होते हैं। इसलिए आप थेवेनिन्स थ्योरम लिखते हैं, थेवेनिन्स लॉ नहीं लिखते हैं। आप किरचॉफ लॉ लिखते हैं, किरचॉफ थ्योरम नहीं लिखते हैं। दोनों सर्किट के बारे में ही है, बट एक स्टेटमेंट लॉ है, एक स्टेटमेंट थ्योरम है। अगर आप इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करने जाएंगे ना, तो इसका जो बेसिक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन से इसको प्रूफ किया जाता है, बेसिक इक्वेशन फॉर केवीएल, जैसे ओम्स लॉ का जे इज इक्वल टू सिग्मा ई था, और उसका आपका केसीएल का बेसिक इक्वेशन क्या था? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज, या डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। वैसे द बेसिक इक्वेशन ऑफ केवीएल, या इस तरह भी बोल सकते हैं कि इन, ये सर्किट थ्योरी फॉर्मेट में है, अगर आप फील्ड थ्योरी फॉर्मेट में जाते हैं, इसको हम लोग ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देखेंगे। यहाँ पे केवल इक्वेशन देख लीजिए और कुछ नहीं जानना है आपको। इट इज क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल टू जीरो। इट इज इन इंटीग्रल फॉर्म एंड इन डिफरेंशियल फॉर्म इट इज डेल क्रॉस ई
is equal to minus del V by del T. It is in differential form. EMT में इससे KVL proof होता है, field theory से. ठीक. अच्छा, ये तो आप समझ गए. Electric field का किसी भी closed loop पे line integral करेंगे तो वो zero मिलेगा. इसको आप जानते हैं del cross E क्या होता है? What is del cross E? Mic off करके बताइए. Mic on करके बताइए. नहीं सर, मालूम नहीं है सर, भूल गया. इट इज नथिंग बट कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये. एंड व्हाट इज डेल वी बाय डेल टी? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. अच्छा, ये इक्वेशन कहां से डिराइव हुआ, कुछ आइडिया है आपको? अगेन हम इसको फील्ड थ्योरी में देखेंगे दोबारा से, मैं आपको बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता हूँ. इस इक्वेशन को देख करके कोई लॉ याद आ रहा है क्या आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी फाई बाई डी टी, ये क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये तो पढ़ा होगा ना, फैराडेज़ लॉ. यस सर. ठीक, मैं वही कहना था. आप इक्वेशन को देख के अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट, ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दिस इक्वेशंस आर थ्री डायमेंशनल डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction. नोट कर लीजिए इसको, ये आपको फिर EMT करेंगे तो उसमें यहां से रिकॉल करेंगे कि हमने उस टाइम पे ये बताया था आपको. ठीक है, नोट कर लिया सर? जी तो इधर क्या लिखा है? कर्ल ठीक है. आपने लग रहा है जैसे बहुत पहले इंजीनियरिंग किया है, क्या भूल गया आपको? ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, आप इंजीनियरिंग में जाते ही पढ़ते फर्स्ट सॉरी सेकेंड ईयर में है ना, थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स. पता नहीं मेरा वॉइस आपको क्लियर है कि नहीं, लेकिन आपका वॉइस मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, सुन नहीं पा रहा हूं मैं आपको. हेलो, तो नहीं आपको क्लियर है सर? ठीक है ठीक है. तो ठीक है, आप लोगों ने इसका बेसिक पॉइंट है. पहला केवीएल के बारे में पॉइंट क्या है जो हमको याद रखना है, कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ड्राइव होता है. दूसरा पॉइंट, इसका बेसिक इक्वेशन क्या है? Closed line integral of E dot dl is equal to zero, or del cross E, जो कि curl of E भी बोल सकते हैं आप, वो उसका value minus del B by del T होता है. B is nothing but magnetic flux density. ठीक, आगे चलते हैं. Third point जो remember करना है आपको. अच्छा, ये देखिए, इस loop, इस circuit में तीन loop है ना, देख सकते हैं ना, सर्किट में तीन लूप हैं आपके पास. वेरिएबल्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. थ्री इक्वेशन, सेवन वेरिएबल्स. सॉल्व होगा क्या क्वेश्चन?
नहीं होगा सर, नहीं होगा। इसमें नेसेसरी नहीं है कि आपको बाकी के चार का वैल्यू मालूम। तो ये अकेला के जैसे अकेला केसीएल से जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता था, वैसे ही अकेले केवीएल से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इस पे बेस्ड लूप, अभी तो बहुत आगे निकल गए हम लोग, इसको आप रिकॉर्ड में देख लीजिएगा या फिर अलग से हम समझा देंगे अगर प्रॉब्लम फिर से होगा तो। तो कहाँ थे हम लोग, केवीएल भी जैसे केसीएल से केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, वैसे केवल केवीएल से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो केवीएल पे बेस्ड केवीएल और ओम्स लॉ को मिला करके एक मेथड बनाया गया है, उस मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मेश मेथड। ठीक, केवीएल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है केसीएल से, देखिएगा क्या क्या पॉइंट्स हैं। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो याद करने के लिए है कि केवीएल अलोन इज नॉट सफिशियंट टू सॉल्व ए सर्किट, देयरफॉर मेथड बेस्ड ऑन इट इज डिजाइंड, इट इज नोन एज मैश मेथड, जिसको आप मैश मेथड कहते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहां पे मैश मेथड। ठीक, केवीएल हो गया, एक सिंगल स्टेटमेंट है। अब देखना यह है कि उससे सर्किट कैसे सॉल्व होगा। सर्किट सॉल्व करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम लोग मेश मेथड कहते हैं, जो केवीएल पे बेस्ड है। वो केवीएल नहीं है, वो एक मेथड है जिसको मेश मेथड कहा जाता है। पूरा नाम लिखें तो उसको आप लिख सकते हैं मैक्सवेल्स मेश एनालिसिस, सर्किट का एनालिसिस कर सकते थे, या फिर मैक्सवेल्स मेश मेथड भी बोल सकते हैं आप, या केवल मेश एनालिसिस भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा। केसीएल कहां पे अप्लाई होता है? नोड पर। ठीक, केसीएल अप्लाई होता था नोड पर, तो उसके मेथड को हम लोग नोडल मेथड बोलते थे। केवीएल अप्लाई होता है लूप पर, तो उसके मेथड को हम लोग लूप मेथड या लूप एनालिसिस क्यों नहीं बोलते हैं, उसको मेश एनालिसिस क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन बनता है ना। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि मेश क्या होता है, ठीक, उसके बाद हम इस मेथड को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए, सपोज कोई सर्किट है आपके पास, इसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। सपोज कोई सर्किट है मेरे पास, यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट लगे हुए हैं, हम आपसे पूछें कि इस सर्किट में कितना लूप है। इस सर्किट में तीन लूप है, एक ये और एक बड़ा वाला लूप। ठीक, इस सर्किट में मेश कितना है? मेश ऐसा लूप होता है जिसके अंदर और कोई लूप नहीं होगा। हाँ, तो सबसे पहले मेश के बारे में जान लीजिए, मेश का डेफिनेशन क्या है। सच लूप ऑफ सर्किट विच कंटेन no other loop in it, उसको हम मैश कहते हैं, called mesh। तो जब आप ये वाला लूप देखेंगे तो इसके अंदर और कोई लूप नहीं है, ये एक मैश है। ये वाला लूप देखेंगे तो इसके अंदर और कोई लूप नहीं है, ये मैश है, ये लूप मैश है, ये भी मैश है। जब बड़ा वाला लूप देखेंगे ना तो इसके अंदर दो लूप ऑलवेज इंक्लूड हो गए, तो बड़ा वाला जो लूप है वो मैश नहीं है। ठीक,
अब प्रॉब्लम यह है कि हम मेश का एनालिसिस क्यों करेंगे जबकि केवीएल लूप पे एप्लीकेबल होता है, किसी भी लूप पे। उसका सॉल्यूशन बताने के लिए मुझे फिर से आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन करना पड़ेगा। आप अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर कर सकते हैं। देखिए, मैं एक सर्किट बना रहा हूं, सर्किट के एलिमेंट्स मैं नहीं दिखा रहा हूं। मैंने एक सर्किट बनाया ऐसा, या पहले छोटा सा स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सर्किट बनाया ऐसे, इसमें कुछ कुछ पॉइंट पे एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो मुझे देखना है। सर्किट में लूप कितना है? एक सर। एक मैश भी, मैश कितना है? एक। आपने इजीली काउंट किया, लूप एक लूप है, एक मैश है। यस यस यस। अब मैंने एक ब्रांच इसमें और ऐड किया, कितना लूप है इसमें? तीन लूप है। इस सर्किट में तीन लूप है और दो मेश है। क्लियर? ठीक। एक ब्रांच और ऐड किया मैंने। अभी बताइए, मेश तो तीन है, आपको इजीली दिख रहा है ना, ये तीन मेश हो गए। लूप कितने हैं? फोर। वन टू थ्री फोर फोर सिक्स लूप्स हैं यहाँ पे। देखिए, वन टू थ्री फोर सिक्स फाइव सिक्स, टोटल सिक्स लूप है। ठीक। फिर से मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं। हमने अभी तक यहां तक पहुंचे थे, इस सर्किट में टोटल सिक्स लूप्स हैं। ठीक। मैंने एक ब्रांच और ऐड कर दी, क्या आप नंबर ऑफ लूप काउंट कर पाएंगे? करके बताइए। जाने दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना लूप बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। नंबर ऑफ लूप विल बी 11। ठीक। अब कभी आप मेथड अप्लाई करने जाएंगे तो आई एम आस्किंग अबाउट लूप नंबर 9। कौन सा है लूप नंबर 9? ये वाला भी एक लूप पॉसिबल है। अगर मैं सारे लूप यहाँ बना दू ना तो फिर आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। कुछ दिख रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है क्या ड्रॉ किया मैंने अंदर? ठीक। तो यही हमारे पास पॉइंट है, पहला पॉइंट, कि जैसे हमारे पास जब एक ब्रांच थी तो एक लूप था, एक मैश था। एक ब्रांच थी तो एक लूप था, एक मैच था। एक ब्रांच और ऐड किया हमने तो नंबर ऑफ लूप डायरेक्ट कितने हो गए? ये सब का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लूप कितना आएगा वो सब आप बाद में देखिएगा, तो ग्राफ थ्योरी में आप करेंगे। नंबर ऑफ लूप डायरेक्टली तीन हो गए। एक ब्रांच और ऐड करने से नंबर ऑफ लूप डायरेक्ट सिक्स हो गया। एक ब्रांच और ऐड करने से नंबर ऑफ लूप डायरेक्ट 11 हो गया। ठीक। तो ऑल्दो केवीएल किसी भी लूप पे अप्लाई होता है, ठीक, मैं एनालिसिस सबसे पॉइंट पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट ये केवीएल पे बेस्ड है, केवीएल को यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि जहां जहां केवीएल अप्लाई हो रहा सब जगह आप अप्लाई कर देंगे। ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ लूप इंक्रीजेस रैपिडली with increase in branch। ठीक। अब क्योंकि number of loop branch बढ़ने से बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए उनका identification possible नहीं है।
सपोज जो लास्ट वाला सर्किट मैंने बनाया था उसमें बोलूं कि आई अप्लाई केवीएल और लूप नंबर 8, आपने लूप नंबर 8 सारे लूप अगर अंदर दिखा दिए तो खुद ही कंफ्यूज जाएंगे लूप नंबर 8 कौन सा था, ठीक। इसीलिए कि देयरफॉर लूप्स आर डिफिकल्ट टू बी आइडेंटिफाइड। लूप को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक। बट अगर हम ऐसा सर्किट बनाएं और आपसे पूछे नंबर ऑफ मेश कितना है, कितना मेश है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और कोई मेश नहीं है ना, 4 सर। एक्चुअल में लूप किसी भी लूप पे केवीएल तो अप्लाई होता है, बट लूप में ये प्रॉब्लम है उनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है और उनको आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। बट मेश कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली, ठीक। इसीलिए इन दिस मेथड इस मेथड में क्या करते हैं, केवीएल इज अप्लाइड ओनली ऑन मेश। इस मेथड में केवीएल केवल मेश पे अप्लाई करते हैं, ठीक। तो इस मेथड में प्रोसीजर क्या है केवीएल अप्लाई करने का, देखिए प्रोसीजर हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में। हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सॉल्व या सर जी हो गया। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है फाइंड ऑल द करंट्स ऑफ सर्किट यूजिंग केवीएल। देखिए अब यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं है, आप लिखा है फाइंड द करंट यूजिंग केवीएल या फाइंड द करंट यूजिंग मेश मेथड या फाइंड द करंट यूजिंग मेश एनालिसिस या अप्लाई मेश एनालिसिस टू सॉल्व द करंट या अप्लाई मेश एनालिसिस टू फाइंड द करंट आई। इस लैंग्वेज का सबका मीनिंग सेम होता है, केवीएल अप्लाई करें या मेश मेथड अप्लाई करें दोनों सेम चीज। ठीक सर्किट थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं मैं, सर्किट सबसे सिंपल वाला बेसिक वाला लेते हैं। तो फिर से दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, this is 4 ohm, this is 2 ohm, this is 5 volt का बैटरी है, सारे ब्रांच की करंट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने केसीएल में सॉल्व किया था, ठीक। नोट हो गया, नोट हो गया तो यस बोलिए मुझे। यस ओके। इसको सॉल्व करने के जो प्रोसीजर है, पहला स्टेप, वहां पे पहला स्टेप क्या था, काउंट द नंबर ऑफ नोड। यहां पे क्या है, काउंट द नंबर ऑफ मेश, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या होगा, गिव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन to each mesh and assume circulating current in same direction, उसी direction में circulating current को assume कर लीजिएगा,
ठीक। अब इस पॉइंट को पहले यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास दो मेश हैं, दिस इज L1 एंड L2। मैंने दोनों मेश को क्लॉकवाइज ले लिया है, आप चाहें तो एक को क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं जैसा आपका मन। बट सजेस्ट करते हैं अगर आप क्लॉकवाइज करें तो सबको क्लॉकवाइज ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज है सबको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, आगे चलते हैं। पहला स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप क्या है, इनकी सर्कुलेटिंग करंट पे ज़ूम कर लेते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये सर्कुलेटिंग, ऐसा करंट इसमें गोल गोल घूम रहा है, उस करंट का वैल्यू है I1, और यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग करंट है उसका वैल्यू है I2। थर्ड पॉइंट जो है, अप्लाई KVL इन ईच मेश, सारे के सारे मेश पर KVL अप्लाई कर दो, अप्लाई KVL एट ईच मेश एंड राइट डाउन अननोन वोल्टेज। In the form of I into R, current into resistance के format में लिखिए। तो अब हमको यहाँ पे KVL apply करना है, KVL at L1, L1 पे apply करते हैं, clockwise चल रहे हैं, इधर से चल रहा हूँ मैं, direction ये ली हमने। Voltage rise minus 10 प्लस माइनस, ये रेजिस्टेंस जो है ना ये केवल केवल लूप वन में है, लूप टू से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरी करंट इसमें जाएगी आई वन। ठीक, करंट रेजिस्टेंस हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है, तो यहाँ पर ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा तो ये दिस विल बी टू आई वन, करंट इन टू रेजिस्टेंस प्लस। अब प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, देखिए ड्रॉप अगर आप ऐसा बनाएंगे ना, इधर से आई वन आ रहा है और इधर से I2 जा रहा है, दोनों करंट सब्ट्रैक्ट होंगी, हो सकता है I1 ज्यादा हो तो आपको ये वाला पोलैरिटी मिलेगा, हो सकता है I2 ज्यादा हो तो आपको ये वाला पोलैरिटी मिलेगा। ठीक, जो अगर आप टेक्निकल प्रॉब्लम्स में फंसना नहीं चाहते हैं या डीप में इतना ज्यादा जाना नहीं चाहते हैं, आप समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो जिस लूप को आप लेकर के चल रहे हैं ना उसके डायरेक्शन को फॉलो करिए, इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है तो प्लस इधर माइनस इधर, करंट कितना फ्लो करेगा I1 माइनस I2, तो रेजिस्टेंस इज 4, करंट इज I1 माइनस I2 एंड दिस सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें तो दिस इज 2 4, 6 I1 माइनस 4 I2 इज इक्वल टू 10। अच्छा ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको सिंपलीफाई यहीं पे कर लीजिए, 3 I1 माइनस 2 I2 एंड इट इज इक्वल टू 5। सिमिलरली हम लोग KVL लगा सकते हैं L2 पे, नाउ KVL एट L2, L2 पे KVL लगाइए, सर्किट में चलते हैं। ये रेजिस्टेंस में पूरा का पूरा करंट गया I2 प्लस इधर माइनस इधर, वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में ड्रॉप ही होता है, तो 2 I2। आप इधर से आइए, अगेन वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप मींस पॉजिटिव प्लस 5, फिर आप इधर चलिए, अब I2 के अकॉर्डिंग प्लस इधर मिलेगा माइनस इधर मिलेगा, तो टोटल ड्रॉप विल बी रेजिस्टेंस 4 इंटू I2 माइनस I1, I2 का डायरेक्शन मैंने लिया है इधर प्लस आएगा इज इक्वल टू 0। इसको भी इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मिलेगा आपको 6 I2 माइनस 4 I1 इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो ये तो थर्ड स्टेप तक हो गया। फोर्थ स्टेप, सॉल्व the equations for
सर्कुलेटिंग करंट्स, इक्वेशंस को सर्कुलेटिंग करंट्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक। सॉल्व करेंगे तो I1 I2 वैल्यू मिल जाएगी वही सर्कुलेटिंग करंट्स। नेक्स्ट, यूजिंग सर्कुलेटिंग करंट्स, करंट कॉमा लगेगा एंड वोल्टेज एट ईच पॉइंट, कैन बी कैलकुलेटेड। आप इस प्रोसीजर को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दो मिनट है आपके पास, दो मिनट में मैं रिक्वेस्ट हूँ। हेलो, हो गया। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। वन और टू कैंसिल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इक्वल करना पड़ेगा। आई टू कैंसिल कर देते हैं। इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई करिए, इट विल बी कितनी जाए 9 I1 माइनस 6 I2 इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर वन है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, I2 से I2 कैंसिल, 9 माइनस 4 इज 5 I1 विल बी इक्वल टू 15 माइनस 5 10, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I2 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन वन में पुट कर दे रहा हूं मैं, 3 × 2 क्वेश्चन वन में पुट किया है, -2 I2 इज इक्वल टू 5, 3 × 2 इज 6, -2 I2 इज इक्वल टू 5, 2 I2 इज इक्वल टू 1, I2 इज इक्वल टू 1/2 और 0.5। क्लियर, आगे चले। अच्छा, सेकेंड वाले ब्रांच से करंट अगर आप पूछेगा तो करंट इन दिस ब्रांच इज नथिंग बट I1 माइनस I2, 2 माइनस 0.5 इज 1.7 एम्पियर। आगे सॉल्यूशन में आप ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्सक्यूज मी सर। जी हेलो, जी बोलिए। तो ये जो आपको KVL लूप 2 लगा है ना, द इक्वेशन, यस, उसमें सर ये माइनस 4 नहीं होना है क्या सर? माइनस 4 इनटू I2 माइनस I1। देखिए जब आप I2 माइनस I1 ले रहे हैं ना, देखिए जब आप I2 माइनस I1 लेंगे ना, I2 माइनस I1 लेने का मतलब है कि आपने I2 को I1 से बड़ा बताया है और रिजल्टेंट तभी I2 माइनस I1 आएगा।
उसका मतलब ड्रॉप इधर से इधर की तरफ होगा। I2 माइनस I1 का डायरेक्शन ये होगा, I1 माइनस I2 का डायरेक्शन ये होगा। अब ड्रॉप हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस, अब प्लस ये ड्रॉप कितना हुआ वो ये लिख दिया। तो सर आपका आंसर यूजिंग केवीएल आपका आई वन जो टू आ रहा है देन आई टू जो आपका 0.5 आ रहा है ना सर जी, तो आपका मगर केसीएल का थ्रू आई वन जो टू आ रहा है आई टू इज 1.5। इन दैट केस केसीएल जब आपने अप्लाई किया था तो आपने इसको आई वन लिया था, इस वाले को इस करंट को आई वन लिया था, इसको आई टू लिया था और इसको आई थ्री लिया था, ठीक वहां पर ब्रांच की करंट। ओके ओके सर आंसर सेम है। अच्छा इसमें सर जी, अच्छा इसमें सर ऐसे सर कर सकते हैं कि ये सॉल्व करने से पहले हम लोग जो अभी जो आपका ये 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में जो उसका जो पोलैरिटी को फिक्स कर दे इसके बाद सॉल्व करें ऐसे भी हो सकता है क्या सर? कर सकते हैं, पोलैरिटी को फिक्स कर दे आंसर सेम ही आएगा सर। सेम आएगा हाँ, फिक्स करके ये फिक्स कर दे सर। पोलैरिटी फिक्स करने से तो माइनस 4 नहीं आने का सर? हाँ पोलैरिटी फिक्स, हाँ जैसे कि ऐसे फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया है ना, फिक्स करने के बाद में मतलब दोनों में मिस अप्लाई किया। हाँ पोलैरिटी फिक्स करने का मतलब सेकंड लूप के लिए फिर वहां पे वोल्टेज राइज हो गया, ठीक वोल्टेज राइज होने का मतलब माइनस 4 और ये जो ड्रॉप है जो आप इस सर्किट में देख पा रहे हैं दिस ड्रॉप विल बी, ये I1 लिया है ना और इधर साइड 2 लिया आपने, ये पोलैरिटी को फिक्स करने का मतलब ये जो ड्रॉप है ये करंट जो है आपने I1 को बड़ा माना है I2 को छोटा माना है, दिस ड्रॉप विल बी 4 I1 माइनस I2, तो ये हो गया माइनस साइन और अंदर में हो गया I1 माइनस I2, सॉल्व कर लिए सेम आएगा। ये कौन है? दिस इज मिस्टर जी। हो जाएगा सर आज के लिए, आप इतना जल्दी थक जाते क्या? हम समझ रहे हैं मोबाइल में थोड़ा बोरिंग है आपको, जो रेगुलर क्लास होता है ना ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि हम लोग उसमें क्वेश्चन देते हैं ना, क्वेश्चन देने के बाद फिर टाइम देते हैं स्टूडेंट को कि आप सॉल्व करो, सॉल्व करने से फिर वो फिर आंसर बताता है, फिर उसमें डिस्कशन होते हैं, फिर बहुत तरह का डिस्कशन होता है, तो जो एक्चुअल कंटेंट है ना 2 hours ऑफलाइन क्लास का वो ऑनलाइन क्लास में 1.5 hours ही होता है, क्योंकि हमारा आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा है अभी ना, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ कुछ, ठीक आगे चले देखिए सर्किट। हाँ तो एक वाला क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताते हैं, आपने जब इसको केसीएल से सॉल्व किया था ना तो आपने सर्किट में एक नोड को रेफरेंस लिया था, इस वाले नोड को, इस नोड को रेफरेंस लिया था और इस पॉइंट पे केसीएल लगा दिया था ना, सिर्फ एक इक्वेशन से ये सर्किट सॉल्व हो गया था। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिला है और 2 इक्वेशन से सर्किट सॉल्व कर रहे हैं आप, ठीक। तो केवीएल जो है ना हमेशा लेंदी होता है केसीएल से और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, यहाँ प्लस माइनस का लफड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे ना डिपेंडेंट सोर्स वगैरह के तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए कहते भी है ना यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, इफ नॉट मेंशन यूज नोडल मेथड टू सॉल्व ईच सर्किट, कोई सा भी सर्किट दिया हो ना, अगर मेंशन नहीं है
तो हमेशा नोडल मेथड को यूज करिए। कोई थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, कोई सा भी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप हमें हर क्वेश्चन को केवल इसी मेथड से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वन और आई टू का वैल्यू बताइए। माइक ऑन करके बताइएगा आई वन का वैल्यू क्या आ रहा है, आई टू का वैल्यू क्या आ रहा है। सर आई वन, आई वन टू एंड आई टू पॉइंट फाइव। ये आंसर है। ठीक है सर। आंसर रहते सर कौन सा करेक्ट आंसर 4 और 3.5 है सर। ऊपर वाला सर करेक्ट आंसर इज 4 एम्पियर एंड 3.5 एम्पियर। आई वन का वैल्यू 4 है और आई टू का वैल्यू 3.5।
ट्राई किया, इक्वेशन बन गया आपसे 3 1/2 यस सर बन रहा है। ठीक है देखिए मैं साथ रिपीट करिए इसको। इसको L1 L2 मान लेते हैं ना, ये वाला L1 है L2 है। KVL दोनों क्लॉकवाइज लिया है ना आपने एट L1, इक्वेशन क्या मिलेगा देखते हैं अभी। 3 और 9/2 आंसर गलत है, -1। देखिए -10 + 2 I1 ठीक, इसका ड्रॉप करंट दिया हुआ है ना, इस 4 ओम में करंट कितना जा रहा है 1 एम्पीयर, तो प्लस ड्रॉप 4 × 1। अब प्रॉब्लम यह है सर्किट में चार एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4, इसका वोल्टेज क्या लिखेंगे आप? करंट सोर्स का वोल्टेज क्या लिखेंगे आप? नहीं लिख पाएंगे, जब नहीं लिख पाएंगे तो केवीएल एट L1 भी नहीं लिख पाएंगे आप, मेश मेथड यहां अप्लाई नहीं होगा, या फिर बोले केवीएल मेश पे अप्लाई नहीं होगा। आप किसी भी ऐसे लूप का इक्वेशन नहीं लिख सकते जिसमें आईडीएल करंट सोर्स है, ना L1 का लूप 1 का इक्वेशन लिख पाएंगे आप, ना लूप 2 का इक्वेशन लिख पाएंगे, उसमें भी ये करंट सोर्स आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करते हैं बड़े वाले लूप पे केवीएल अप्लाई करते हैं L3। सो I1 - I2 कर सकता है, I1 - I2 तो आप यहां कर लेंगे, इसका वोल्टेज वोल्टेज लिखना है, वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स। सर जी सर, ये लूप 1 में I1 - I2 उसमें फिर प्लस I प्लस 1 एम्पीयर करने से क्या होगा? I1 - I2 प्लस 1 मतलब ये जो एम्पीयर जो करंट जा रहा है मल्टीप्लाई विद 4 I1 - I1 - I2 का वैल्यू ही 1 है, रिजल्टेंट करंट उस ब्रांच में आएगा, उसको देख डाल देने से नहीं होगा क्या सर? वोल्टेज और करंट कैसे ऐड होगा? आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, ये केवीएल है, हमको वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स चाहिए, करंट सोर्स का वोल्टेज क्या है वो नहीं मालूम है ना आपको, वोल्टेज में वोल्टेज को ऐड करेंगे ना, I × R वो वोल्टेज होता है। एक्सक्यूज मी सर जी, क्लियर कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर जी, सर पूछिए सर, ये जो 4 ओम अलोंग दिस 4 ओम जो ड्रॉप हो रहा है सर, 4 × I1 - I2 हां क्लियर, I1 - I2 का वैल्यू 1 है सर। जी सर, सर मैं ये बोल रहा हूं कि 4 × जो I1 - I2 जो हम लोग नॉर्मली करते हैं सर, इसमें सर I1 का वैल्यू 1 एम्स नहीं ले सकते हैं। I1 का वैल्यू 1 कहां से ले लेंगे? I1 जी जो सर यहां से जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो 1 एम्स नहीं होगा। I1 ये है, ये I1 है और ये I2 है, ये I1 I2 नहीं है वो। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ओके, वो दूसरा ब्रांच का करंट है ना। एक मिनट होल्ड करिए जरा, ठीक है। और कोई डाउट है क्या? सॉल्व करें इसको, हाँ सुपर मैच लगेगा इस पे। KVL ऑन L3 लगाना पड़ेगा आपको, इट विल बी माइनस, क्लॉक वाइज चल रहा हूं मैं, -10 + 2 I1 + 2 I2
एक दो तीन चार चार एलिमेंट है यहाँ पास, ड्रॉप अगेन प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, टू आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू फाइव, इक्वेशन नंबर वन। एक इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व नहीं होगा तो दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा इस ब्रांच से। इस ब्रांच की करंट आई वन है नीचे की तरफ, दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन इज आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू वन। दो से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में तो इट विल बी 2i1 कर ही देते हैं ना, पहले इसको इक्वेशन वन लिख, इक्वेशन नंबर टू लिख देते हैं। अब इसमें इनटू टू कर देते हैं, टू आई वन माइनस टू आई टू विल बी इक्वल टू टू, है ना। ये सेकेंड इक्वेशन है आपका। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, टू आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू फाइव, ठीक। तो आई टू से आई टू कैंसिल, फोर आई वन इज इक्वल टू सेवन, आई वन इज इक्वल टू सेवन अपॉन फोर, सेवन अपॉन फोर कितना होता है 3.5, 1.75 एम्पीयर। अभी किसी को पुट कर दीजिए, यहां से ही आपको मिल, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं इक्वेशंस को भी, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, ठीक। माइनस फोर आई टू इज इक्वल टू, यहां भी हो जाएगा माइनस, माइनस थ्री आई टू इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, तो व्हाट इज थ्री बाई फोर, 0.75 एम्पीयर। सर ये इक्वेशन टू को आई वन माइनस आई टू डायरेक्ट ले लिया सर, आई वन माइनस आई टू की वैल्यू वन है ना, इस ब्रांच का करंट मालूम है ना आपको, ये वाला ब्रांच का करंट जो है तो वन एम्पियर है। इधर से आई वन आया, इधर से आई टू गया, रिजल्टेंट कितना हुआ उसका, आई वन, I1 minus I2, I1 minus I2 की वैल्यू 1 गिवन है आपको यहाँ पे। सर जी अगर हम लूप को रिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो देन I2 minus I1 इक्वल टू 1 होगा ना सर, I2 minus I1 की वैल्यू माइनस होने जाएगी सेकेंड इक्वेशन जो, आई टू माइनस आई वन का वैल्यू माइनस वन होगा। हाँ जी जी ठीक है, ठीक है, ओके सर, क्लियर है। तो यहाँ से आपको नोट लिखने को क्या मिलता है पॉइंट ए पे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवीएल या मेश मेथड is yeah mesh method cannot be applied to any mesh which contain ideal current source। किसी भी ऐसे mesh पे आप mesh method नहीं लगा सकते जहां पे ideal current source हो। In such case, two or more mesh are combined to solve circuit. जैसे हमने यहां पर किया था, हमने KVL at L1 नहीं लिखा, KVL at L2 नहीं लिखा, दोनों mesh को combine कर दिया। Actual में ये mesh तो है नहीं, loop है, इसी को हम लोग सुपर मैश बोलते हैं, विच इज नोन एज
सुपर मैश। सुपर मैश आने से क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट हो जाता है, क्वेश्चन और इजी हो जाता है जल्दी। क्लियर है? अभी कोई डाउट है क्या? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज हम आपसे बताना चाह रहे थे कि ये प्रमोशन के लिए नहीं है, मैं क्लास 12th का फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो क्लास 12th में अभी जो बोर्ड का एग्जाम फिर से आ गया है ना, बोर्ड का एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अगर आपका कोई सिबलिंग है तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको करा सकते हैं। ठीक है, क्लास अटेंड करें आज का। ठीक है सर। यस सर। Good night. Okay, good night, sir. Good night, sir. Thank you, sir.